राम राम सभी ने। आज की वीडियो जो है राधा रानी से जो है नाक रगड़ कर माफ़ी मांगने वाले पंडित मिश्रा प्रदीप मिश्रा के ऊपर होगी। एक लोटा जल और सब समस्या का लाइन ने जो किस्मत चमका दी थी पंडित प्रदीप मिश्रा की। हर कथा के बीच में ये लाइन बोलते थे, लोगों को जो है सबसे ज़्यादा पसंद आती थी इनकी ये लाइन। प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा पिछले करीब महीने भर से जो सुर्खियों में बने हुए थे। विवादित बयान इन्होंने जो दिया था, उज्जैन में उनकी कथा का बहिष्कार किया गया। अचानक बरसाना में पहुंचकर राधा रानी के मंदिर में उन्होंने नाक रगड़ कर माफ़ी मांगी। आइए जानते हैं प्रदीप मिश्रा कौन है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के रहने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा का जन्म सन 1980 में हुआ था। उनका उपनाम जो रघुराम है, निम्न वर्ग से होने के कारण बचपन अभाव में बीता। जब बड़े हुए तो उन्होंने जो है स्कूल टीचिंग में अपने हाथ आजमाए और साथ ही पंडिताई भी करने लगे। उन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। उनके पिता का नाम पंडित रामेश्वर दयाल मिश्रा है। पिछले साल ही उनका निधन हुआ था। इनके दो भाई हैं विनय मिश्रा और दीपक मिश्रा। उन्होंने बड़ी मुश्किल हालात में अपनी बहन की शादी की थी। पंडित मिश्रा को बचपन से ही भक्ति में जो है काफ़ी रुचि थी। सीहोर बाबा के नाम से भी इनको जाना जाता है। सीहोर में ही जो है इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ली थी और परासर नाम की महिला से जो उन्होंने कथावाचक बनने की प्रेरणा मिली थी। उन्होंने जो है कहा था कि राधा रानी जो है बरसाणी की नहीं है। उसके बाद जो विवाद हुआ था, हालांकि जो इन्होंने विवाद के बाद जो माफ़ी मांगी बरसाना पूछकर।